देवस्थान विभाग व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह डीग में खंडेलवाल धर्मशाला पहुंचे, जहां पर्यटन मंत्री का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर लोगों ने पर्यटन मंत्री को अपनी समस्याएं बताई। मौके पर पर्यटन मंत्री ने पुलिस प्रशासन को तुरंत निस्तारण करने का के लिए कहा। इस मौके पर लोगों ने कहा कि पर्यटन मंत्री से परिक्रमा मार्ग में आने वाले कुछ मकानों को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की बात कही, जिस पर पर्यटन मंत्री ने परिक्रमा मार्ग में किए गए अतिक्रमण को स्वयं ही अपने आप हटाने की बात कही, ताकि पिछली सरकार ने ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यकरण के लिए जो बजट पेश किया है उसका उपयोग हो। इसके लिए आप सब लोगों को प्रशासन की मदद करनी होगी, ये बात विश्वेंद्र सिंह ने कही है। सौंदर्यकरण शहर का आवश्यक है। ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा पिछली सरकार ने जो सैंक्शन किया था पैसा, वो पैसा अटका पड़ा है और वो करोड़ों रुपया है, और उसको अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो पैसा दूसरे जिले को चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते। हम डीग को सुंदर भी चाहते हैं और हम डीग को ये चाहते हैं कि यहाँ ब्रिज 84 कोस की जो अपने तीर्थयात्री हैं उनको पूरी सुविधा मिले। इसके लिए जो मापदंड तय किए गए हैं वो 7 मीटर तो सीसी रोड, 1.5 मीटर आपका टाइल्स और 1 मीटर ड्रेनेज, जिससे कि यहाँ पानी की असुविधा ना, मतलब पानी की असुविधा। आपने देखा है हर जगह लोगों ने चबूतरे और वो बढ़ा रखे हैं, जिनका 15 दिन का समय प्रशासन ने दिया है कि वो स्वतः ही तोड़ दे, अन्यथा 15 दिन बाद फिर प्रशासन को अपनी कार्रवाई